गुरुजी के आशीर्वाद के ऑफिस का उद्घाटन कैसे हो सकता है? इसमें तुम क्या डाल के लेके आए? कुछ है भाई, बोल लो मैं कुछ है, मैं कुछ है, मेरा प्राण झटपटा रहा है। बल जी क्या इसमें लगवा के लाए स्प्रे? तो नहीं, गुरुजी का प्यार बोल रहा है। रुक जा भाई, जा मैं भी अपना होता हूं। हां वो कह रहे मैं भी अपना खुश हूं। जय सच्चे दरबार की, जय शनिदेव, जय जय। वो कैसे बोलती है लड़की? जय, वो कैसे बोलती है? जय जय शनिदेव, जय शनिदेव, गुरुजी, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आज जय शनिदेव मनु भैया जी ने GNN न्यूज एजेंसी का उद्घाटन कर मेरे को लड्डू खिलाया है, और अभी आपने देखा है सपने में मैंने गुलदस्ता देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज के दिन, आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि शनिवार और एतवार को शनि धाम में बहुत सारे लोग आते हैं और उनकी जो सिद्धियां हैं वो आज तो मंगलवार है, एतवार को खोली जाती है। अच्छा, जहाँ एतवार मंगलवार की बात आई है वो तो थोड़ी देर में वीडियो आप तक पहुंच जाएगी तो पता लग जाएगा आपको कि आज मंगलवार है या कोई और दिन। ले देखे बात ये है भाई, सारे बोलो मंगलवार है ना आज। हाँ मंगलवार है भाई। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की जय। बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि आज सुबह 6 बजे से लोगों का तांता लगा रहा GNN के कार्यालय पर, और MCD विभाग को डांट डपट कर हमने पूरे क्षेत्रीय सफाई कराई और चूना भी डलवाया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब परम पूज्य मनु भैया जी की दया कृपा और उनका आशीर्वाद था कि जहाँ जहाँ हम जो काम करने को जा रहे थे वो काम वहाँ फतेह हो रहा था। और अब थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ नेताओं की भी लाइन लगी, लेकिन मेरा मन बड़ा विचलित था कि मैं जब तक परम पूज्य मनु भैया जी के दर्शन ना करूं तो मैं कैसे मानूं कि GNN का कार्यालय खुला है। तो इसलिए सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है और मैं सभी से चाहूंगा कि जय शनिदेव बोलें और परम पूज्य मनु भैया जी का आशीर्वाद लें। जिस तरह आज मैं खुश हूँ उसी तरह आप भी खुशी से झूमें और पूरे देश में ये खुशहाली बरकरार रहे, लोग खुश रहें, अमन से रहें, चैन से रहें, जातिवाद में ना पड़े, धर्म के विवाद में ना पड़े। भाई और बस जावे ही जावे, साथ में हमने ओमपाल चाट भंडार भी खोला है। शनिदेव महाराज की, चाट खावे वहाँ भी जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में ढूंढने के बाद पता लगा कि शनि धाम जो दिल्ली श्याम विहार फेज 2 में है वही सच्चा दरबार है, जहाँ के महंत हैं परम पूज्य मनु भैया जी और परम पूज्य गुरु माता जी। उन्हीं के आशीर्वाद से लोगों का रोजाना हजारों की तादाद में भला हो रहा है, और इस बात का मैं अकेला गवाह नहीं। ये चैन सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ परिक्रमा दी जा रही है और ये जो है हवन चल रहा है बीच में। आइए किसी से भी बात करते हैं। बहन जी कैसी हैं आप? बहन जी नई तो नहीं है तो आप पुरानी, लेकिन शनि धाम में पहली बार आई हैं, आपको आने के बाद कैसा अनुभव हुआ? मुझे अच्छा लगा, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, उनको मेरे मेरे क्रॉस कर जा, क्रॉस कर जा, सामने पकड़ ले मास्टर जी, अच्छे से बताएगा। आ जाओ मास्टर, आ जाओ बहन जी, इधर आओ, बताएंगे। चलो हाँ बहन जी, आज मैं शनि धाम की खुशियाँ यहाँ पर सभी के सामने रख रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप शनि धाम के बारे में जरा विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या लगा। आप क्यों लोगों को यहाँ भेज रहे हो? हम पहले बहुत ज्यादा परेशान थे, प्रतिदिन हम तक क्रिया पे क्रिया होती है, हमें उनसे सबसे छुटकारा मिला है, आज हम बहुत खुश हैं, हमारा कर्जा भी खत्म हो गया, हम नया घर भी ले रहे हैं आने के बाद, हम तो बहुत खुश हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आपने सुना के नया मकान ले रहे हैं भाई साहब? ले लिया नया मकान ले लिया, और बहुत कर्जा था वो भी चुक गया, और उन्हीं में से भाई साहब मैं भी एक हूँ। मैंने एक सपनों का छोटा सा महल बनाया जिसका नाम है गुडविल मीडिया हाउस, और भाई साहब वो गुडविल मीडिया हाउस बहुत समय से मैं सोच रहा था कि अच्छा बन जाए और वो
परम पूज्य मनु भैया जी की कृपा से बहुत अच्छा बन गया है। अब उन्हीं के चरण वहां डले तो पहली वीडियो बने, ये ऐसी मेरी सोच है। और मैं चाहता हूँ, मैं विनती करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी और परम पूज्य मनु भैया जी से भी कि वो अपने चरण पादुका उस ऑफिस में डालकर उसमें वीडियो बनाने की इजाजत दें ताकि मैं आगे के क्रम में आऊं और लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू करूं। जय शनिदेव। खुश रहो, उन्नति करें ओमपाल भाई, सदैव सदैव। एक मिनट। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी बोल रहे थे। हाँ तो ओमपाल जी की उन्नति हो सदैव सदैव, और उनका मीडिया हाउस यूं ही बरकरार रहे, चलता रहे, और उन्होंने जितने सपने संजोए हैं अपने बच्चों को लेकर और अपने कार्य को लेकर, और वो जहाँ तक काम करना चाहते हैं, मेरी तहे दिल से दुआ है और मैं हृदय से कहता हूँ शनिदेव महाराज को कि ओमपाल की ये पुकार जरूर सुनना। जिसने तरंगे बदली है, जिसने माध्यम बदला है और जिसने अपने जीवन को शनिधाम में आने से पूरा बदला है, तो शनिदेव महाराज उन पर अप्रतिम कृपा करें, अपार कृपा करें, अपनी करुणा दिखलावें, दया दिखलावें और उनको संसार में नामी गिरावी, यशस्वी बनावें, अपना बल भी देवें, भक्ति भी देवें, अपनी शक्ति भी देवें, वो करुणा में अपनी करुणा को बरकरार रखें, बरसा के रखें। और जैसे मुझ पर अभी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी तरंगे दे रहे हैं मेरे शीश पर, वैसे ही उसके शीश पर भी व्रत में हस्त रखें। तो मुझे तो इनके माध्यम से इनको आशीर्वाद देते हुए भी लग रहा है कि शनिदेव महाराज का हाथ जो है वो मेरे शीश पर रखा हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरा रोम रोम खुल गया आशीर्वाद देते हुए। तो जब हृदय से पुकार निकलती है तो आपका बेड़ा पार होता ही होता है। तालियां बजा दो। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की जय। बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की जय। बोलो साचे दरबार की जय।